नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम हूं। और एक और बड़ा बयान आ रहा है महबूबा मुफ्ती का, शायद अब वो बगावत करने पर उतराई है। वो कहती है कि 35A को छूने वाले हाथ ही नहीं जलेंगे, वो सारा शरीर जल जाएगा और वो बारूद को हाथ लगाने के बराबर है। निश्चित तौर पर अब इन लोगों की जुबान बहुत ज़्यादा चलने लगी है। ये पाकिस्तान परस्त पार्टियाँ, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला, और चाहे ये PDP की महबूबा मुफ्ती हो, अब इन्हें सबक सिखाए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी है। पहले तो ये इन लोगों की जब सुरक्षा घटाई गई थी तब ये तिलमिलाए थे और ये खाते भारत का है, भारत के टैक्स पेयर की जेब से जाने पैसे से इनके खर्चे चलते हैं, इनका चूल्हा जलता है और उसी से उनको सुरक्षा मिलती है। उसके बावजूद ये पाकिस्तान की भाषा जो महबूबा मुफ्ती बोल रही है वो बड़ी शर्मनाक है और इसका संज्ञान निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी लेंगे। और जैसा कि संकेत मिल रहे हैं 15 अगस्त के बाद ये 35A हटने की तैयारी, और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती एकदम से पाकिस्तानी भाषा बोलने लगी है और वो इस तरीके का चैलेंज कर रही है भारत सरकार को कि आप हमारा विशेषाधिकार का जो दर्जा है, विशेष राज्य का जो दर्जा है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। शायद महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला जैसे लोग अपने आप को भारत के संविधान से ऊपर समझने की हिमाकत कर रहे हैं, या फिर केंद्र की चुनी हुई उस सरकार से ज़्यादा ऊपर समझने की हिमाकत कर रहे हैं जिसको कि भारत की 130 करोड़ जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर भेजा है। निश्चित तौर पर इन लोगों को सबक भी सिखाया जाएगा, इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो निश्चित तौर पर अब हमें इंतजार करने का 15 अगस्त के बाद जो मीटिंग होनी है 35A को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके से दृढ़ता अमित शाह ने पहले भी कहा था कि जो अस्थाई है वो अस्थाई, उसको हटाने में कोई गुरेज नहीं है, मोदी सरकार की मंशा स्पष्ट है। और यही वजह है कि ये सब जो वहाँ अलगाववादी हों, चाहे वहाँ की जो स्थानीय जो पार्टियाँ हैं जो पाकिस्तान परस्ती की राजनीति करते हैं, उनके अंदर एक बौखलाहट बढ़ गई है। खबर आ रही है कश्मीर से, जहाँ पर NIA ने फिर से एक बड़ी छापेमारी की है। 4 जगह पर छापेमारी की गई है और ये सब हो रहा है आतंकी, यानी कि आतंकियों को जो टेरर फंडिंग होती है उसको लेकर। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले भी 6 जगह पर वहाँ छापेमारी की गई थी, जिसमें जो कुछ स्थानीय व्यापारी थे जो क्रॉस बॉर्डर व्यापार करते थे उनके यहाँ छापेमारी की गई थी। और इस बार भी ये कुछ ऐसे ही लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है। वजह ये है कि NIA अब किसी भी हालत में उन लोगों को बख्शने वाला नहीं है जो कि टेरर फंडिंग करते हैं, यानी कि विदेशों से पैसा मंगाकर वहाँ पर पत्थरबाजी कराते हैं, लोगों को आतंकवाद के जो संगठन हैं उनमें शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको पैसा देते हैं, और स्थानीय तौर पर जो मदरसे वगैरह हैं उनमें भी वो पैसा देते हैं इस बात के लिए कि वो लोगों को भड़काने का काम करें। ये पूरी जो कार्रवाई है ये उसी योजना के तहत है जो टेरर मैनेजमेंट बनाया गया था, एक TMG, और उसको लेकर जब से गृह मंत्री बने हैं अमित शाह तब से उनका ये कहना है कि किसी भी हालत में कश्मीर में जो पहले तो पत्थरबाजी रुकनी चाहिए, टेरर फंडिंग रुकनी चाहिए, और उसके बाद जो कि हमारे वायदे हैं देश की जनता से 35A और 370, उन पर भी कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कल आपको हमने बताया था कि किस तरीके से वहाँ 100 कंपनी अर्धसैनिक बलों की भेजी जा रही हैं, जिसको लेकर PDP और उमर अब्दुल्ला के बयान जो आए वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थे, बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक थे, क्योंकि PDP कह रही है कि कश्मीर में कोई समस्या नहीं है, राजनीतिक मामला है, आप यहाँ पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि जो बानी था जो मर गया, बुरहान वानी और मूसा, इन दोनों के इलाके में अगर यही सब चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। यानी कि उमर अब्दुल्ला भी वही कह रहा है जो पहले PDP कहा करती थी कि जो आतंकवादी स्थानीय लड़के होते हैं उनको वो हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है और उस कार्ड को खेलने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 35A एक अस्थाई अनुबंध है, एक अस्थाई अनुच्छेद है, इसलिए इसको हटाया जाना जरूरी है और ये संविधान में एक गलत तरीके से थोपा गया था। इसकी कोई प्रक्रिया जो लेजिस्लेचर को प्राप्त है, लेजिस्लेचर को जो अधिकार है, यानी कि जो विधायिका के अधिकार है, उनका हनन करके राष्ट्रपति के आदेश से इसको उसमें डाला गया था और इसको राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया भी जाएगा। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है और इसकी वजह से जो दूसरी पार्टियां हैं भारत की वो भी दबे स्वर में PDP और NCP जैसी पार्टियों का
नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों का समर्थन करती हुई दिख रही है। वजह यह है कि उनको लगता है कि अगर 35A हट गया तो जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा की राजनीति शुरू हो जाएगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बढ़त में आना लगभग निश्चित लग रहा है। और जम्मू कश्मीर के लोगों का जहाँ तक सवाल है वो इस बात से दुखी है कि वहाँ जिस तरीके की वंशवादी राजनीति करती रही हैं दोनों पार्टियाँ, चाहे एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, इसलिए वो चाहते हैं कि वो भारत के जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनकी तरह से उनको भी अधिकार मिले और उन्हें भी विशेषाधिकार से बहुत ज़्यादा मोह नहीं है। विशेषाधिकार केवल इन पार्टियों को चाहिए क्योंकि इन्हें लगता है कि विशेषाधिकार के बल पर वो जम्मू कश्मीर की सत्ता अपने हाथ में रख पाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो जनसंख्या का अनुपात है उस आधार पर तो जम्मू रीजन की सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन 35A और अन्य जो उनको जो थोड़ी सहूलियतें मिली हैं उसकी वजह से वहाँ पर कश्मीर के रीजन की सीटें ज़्यादा हैं। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी जम्मू रीजन और लद्दाख रीजन में बहुमत पाने के बावजूद सत्ता में नहीं पहुँच पाती, उसको वहाँ कश्मीर की जो पार्टी रहती है उसके आधार पर उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और यही वजह रही कि पहले अब्दुल्ला खानदान के मुख्यमंत्री रहे और फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद और उसकी बेटी मुख्यमंत्री वहाँ पर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको बदलने की जरूरत है। खबर आ रही है कर्नाटक से भी, जहां पर आपको याद होगा कि 17 विधायकों ने वहां इस्तीफे दिए थे और उसको लेकर 6 जुलाई से एक बड़ा गतिरोध चल रहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। लेकिन अब के रमेश कुमार ने आज फिर से 14 जो विधायक बचे हुए थे उनको भी अयोग्य करार दिया है। आपको याद होगा कि पहले उन्होंने 3 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था और अब जो 14 विधायकों को भी अयोग्य करार दे दिया है, उसके बाद 17 के 17 विधायकों की सदस्यता एक तरीके से उन्होंने खत्म कर दी है, जो कि संवैधानिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने जो इस्तीफे दिए थे वो 6 जुलाई को दिए थे, तब कोई व्हिप जारी नहीं थी। अब उन्होंने किस आधार पर उनको अयोग्य करार दिया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में थोड़ी ढिलाई बरती थी और इस मामले को अगर उन्होंने पहले ही निपटाने का आदेश दे दिया होता, सुझाव दे दिया होता के रमेश कुमार जो विधानसभा अध्यक्ष थे, तो शायद ये स्थिति नहीं रही होती। लेकिन अब चूंकि उनकी सदस्यता चली गई है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ कल VS येदियुरप्पा अपना बहुमत साबित करेंगे विधानसभा के अंदर। उससे पहले के रमेश कुमार अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आएगी बीजेपी, जिसका नोटिस वो दे देंगे और नोटिस देने के 14 दिन बाद वो अविश्वास प्रस्ताव सदन में ला सकते हैं। के रमेश कुमार को पता है कि अब बीजेपी उनको विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहने देगी, इसीलिए उन्होंने आनन फानन में आकर ये जो निर्णय लिया है, जो सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस तरीके का निर्णय अगर उन्हें लेना था तो शायद पहले दिन क्यों नहीं लिया, और उसके बाद जब विश्वास मत रखा था कुमार स्वामी ने तब भी उन्होंने ऐसा निर्णय नहीं लिया। इसका मतलब था कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ खोट था उनकी सोच में, जिस पर सवाल अब उठेंगे। सवाल ये भी उठेगा कि जब उनकी कुर्सी जाने वाली है तो खिसियाते हुए उन्होंने ये सब निर्णय लिया है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले ही संकेत दे चुकी है। और ये एक परंपरा भी रही है कि कोई भी पार्टी विपक्ष के व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसके पास बहुत सारी पावर होती है और उन पावर्स का अगर मिसयूज किया जाए तो सत्ता पक्ष को भारी नुकसान हो सकता है। और आज की स्थिति के बाद तो निश्चित तौर पर बीजेपी को आज उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे देना चाहिए, जिसके 14 दिन बाद फिर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में आएगा और उसके तहत जो संवैधानिक उपबंध है उसके अनुसार जितने सदस्य मान्य तौर पर विधानसभा में होंगे उनके बहुमत से उनको हटाया जा सकेगा। और उस पूरी मीटिंग की जो अध्यक्षता होगी वो के रमेश कुमार नहीं कर पाएंगे, उनकी जगह डिप्टी स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो मीटिंग की या सभा की वो अध्यक्षता नहीं कर सकता, कार्यवाही नहीं चलवा सकता। हाँ, उसको अपनी बात रखने का, अपनी सफाई देने का पूरा मौका जरूर मिलता है, तो वो वहाँ पर एक बादी के तौर पर होंगे। और इस पूरे घटनाक्रम पर फिर से
अब पूरे देश की नजर होगी। ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक का नाटक पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन अंतिम तौर पर जिस तरीके से के रमेश कुमार ने एक विवादास्पद फैसला दे दिया है, उसके बाद ये नाटक अभी खत्म हुआ नहीं है पूरी तरह से। वीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कल वो अपना विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे, जिस पर उनके जीतने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी के 105 सदस्य हैं और उनमें से अगर डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे तब भी बीजेपी 104 सदस्यों के साथ बहुमत साबित कर देगी, और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी के रमेश कुमार को विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाने की, जिसका निर्णय 15 दिन के अंदर हो जाएगा। तब तक के लिए कर्नाटक में जो कुछ रहेगा उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।